सतीश कौशिक के निधन की खबर ने हर किसी को तोड़ कर रख दिया है। किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। होली के मौके पर उन्हें पार्टी में धमाल करते हुए देखा गया था। हालांकि अब सतीश कौशिक की मौत कैसे हुई इस बात से पर्दा उठ गया है। दरअसल 7 मार्च को मुंबई में होली खेलकर सतीश कौशिक दिल्ली चले गए। यहां गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में उन्हें किसी से मुलाकात करनी थी। फार्म हाउस से लौटते वक्त कार में ही सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया और फिर उन्हें आनन फानन में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच की लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी। सतीश कौशिक की आत्मा उनका शरीर छोड़ चुकी थी। फिर उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया। सतीश कौशिक का पार्थिव शरीर इस समय गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में रखा गया है और इसे मुंबई लाने की तैयारियां चल रही हैं। चार्टर प्लेन के जरिए दोपहर तक उनका शरीर मुंबई लाया जाएगा और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। मुंबई में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सतीश कौशिक अपने पीछे पत्नी शशि कौशिक और बेटी वंशिका कौशिक को छोड़ गए हैं। सतीश कौशिक की बेटी बहुत छोटी है, रो रो कर उसका बुरा हाल है। सतीश कौशिक की मौत से फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर चुका है। हर एक्टर सतीश कौशिक के निधन से सदमे में चला गया है।